राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 6 दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी तमिलनाडु से गिरफ्तार हो गया है। तमिलनाडु पुलिस ने UPATS की सूचना पर राज मोहम्मद को पुदुकोटी जिले से गिरफ्तार किया है। राज मोहम्मद ने यूपी में 2 जगहों समेत कुल 6 जगहों पर RSS दफ्तरों को ब्लास्ट कर उड़ाने की धमकी दी थी। इस मामले में लखनऊ के मड़ियांव थाने में FIR दर्ज की गई थी। UPATS ने तमिलनाडु पुलिस को राज मोहम्मद के बारे में सूचना दी थी। इसके बाद तमिलनाडु पुलिस ने ये कार्रवाई की। सोमवार रात करीब 8 बजे एक व्हाट्सएप ग्रुप पर लखनऊ के अलावा RSS के अन्य 5 कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इसमें उत्तर प्रदेश के 2 कार्यालय और 4 कर्नाटक के कार्यालय शामिल हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में 3 अलग अलग भाषाओं में धमकी दी गई है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल किया गया है। जानकारी के मुताबिक अल अंसारी इमाम रजी उन मेहंदी नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप संचालित किया जा रहा था। इसमें 3 अलग अलग भाषाओं में कुछ बातें ग्रुप में शेयर की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।